सब्सक्राइब कीजिए हिंदी एवी नोट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एवी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो का विषय है नागरिकता। ये पॉलिटी का 7वां वीडियो है और इसी प्रकार के वीडियोस हम सभी विषय के लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अब शुरू करते हैं हम नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5, 26 जनवरी 1950 को वह व्यक्ति भारतीय नागरिक माने गए जो भारत में जन्मे हों या भारत में रहते हों, जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रहते हों। अनुच्छेद 6, 1, उन व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान की गई जो 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आ गए थे तथा निम्न शर्तों का पालन करते थे। उनका जन्म अखंड भारत में हुआ हो या माता पिता, पितामह, पितामही, मातामह, मातामही में से किसी एक का जन्म हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों को भारत में 6 महीने निवास के उपरांत नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 9, यदि किसी भारतीय पुरुष का विवाह किसी विदेशी महिला से होता है तो उनसे उत्पन्न संतान को भी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 1992 ईस्वी में यह अधिकार भारतीय महिलाओं को भी प्रदान किया था। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में किसी भी तरह का अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है, जबकि भारत में सिर्फ भारत का नागरिक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य का भी नागरिक हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हो और भारत का भी नागरिक हो। हालांकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता है प्रवासी भारतीयों के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि कोई प्रवासी भारतीय किन्हीं देशों में होता है तो उसको भारत की भी नागरिकता प्राप्त होती है, यदि वो दो देश अलाउ करता है तो। अभी आगे उसके बारे में हम जानेंगे। भारत के नागरिकों को संविधान के अधीन निम्न अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य विदेशी लोगों को नहीं मिलते, जैसे कि कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19 जो कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। अभी आगे हम इनके बारे में भी बात करेंगे, 15, 16 और 19 के बारे में कौन कौन से हैं। ये केवल नागरिक ही उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता एवं राज्यपाल आदि के पदों पर नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 15, अभी हमने जो बात की थी कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है, भेदभाव नहीं करने देता, ये भेदभाव पे रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19A, भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ये अक्सर पूछा गया है, कई बार पीसीएस में, यूपीएससी में, एसएससी में कई बार, तो ये है 19(1). इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। वो क्या था? सरकार, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19(b) के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(c), भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 19(d), देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(e), देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अनुच्छेद 19(g), कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। चलिए, अभी हमने दोहरी नागरिकता की बात की थी, अब देखते हैं क्या है दोहरी नागरिकता में। प्रवासी भारतीयों
एवं विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मौजूद 4वीं अनुसूची हटाकर 16 देशों स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन एवं अमेरिका के प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था। प्रवासी भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार कौन कौन से हैं? प्रवासी भारतीयों को अपने देश में नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता भी उपलब्ध होगी, जिसके तहत उनको ये अधिकार मिलेंगे। ऐसी दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी। इसके तहत उन्हें भारत में रहने, संपत्ति अर्जित करने एवं पूंजी निवेश करने का अधिकार होगा। वर्ष 2006 में प्रवासी भारतीयों को मतदान करने का भी अधिकार दिया गया है। कुछ प्रतिबंध हैं जो उन पर आरोपित हैं, वो कौन कौन से प्रतिबंध हैं, चलिए वो देखते हैं। भारत में कोई भी संवैधानिक पद इनको नहीं मिलेगा। दोहरी नागरिकता अवश्य है, लेकिन इन्हें कोई भी संवैधानिक पद नहीं मिलेगा। सार्वजनिक नौकरियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार भी प्रवासी भारतीयों को नहीं प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये जो प्रवासी दोहरी नागरिकता है और जो अधिकार है, ये क्यों दिए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है, चलिए वो जानें। भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसके करोड़ों लोग विश्व के 110 देशों में बसे हुए हैं, और भारत के जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने अमेरिका सहित तमाम जितने भी देश हैं उनमें काफ़ी आर्थिक प्रगति की है, तरक्की की है। अब हम चाहते हैं कि वो लोग भारत में पूंजी निवेश करें और हमारे विदेशी मुद्रा कोष को समृद्ध बनाएं, जिससे कि हमारी आर्थिक विकास की गति बढ़े या आर्थिक विकास को गति मिले, यही इसका मूल उद्देश्य है। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005। केंद्र सरकार ने 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 जारी किया था, जिसके तहत ये प्रावधान किए गए थे। एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 भी आया था, उसे भी आगे देखेंगे हम। भारतीय मूल के वह लोग जो स्वयं या उनके माता पिता, दादा दादी 20 जनवरी 1950 के बाद भारत से चले गए थे या 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के योग्य थे या उस जमीन से ताल्लुक रखते थे जो 15 अगस्त 1947 का हिस्सा बनी, उनके नाबालिग बच्चे जिनकी राष्ट्रीयता ऐसे देश की है जो दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, भारतीय नागरिकता के पंजीकरण के योग्य हैं। चलिए अब अगला देखें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया था, जिसके तहत भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में लिखित रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद विशेष 12 माह की छूट दी जा सकती है, जो अधिकतम 30 दिन के लिए अलग अलग अंतराल के बाद दी जा सकती है। भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण के लिए शर्तों को उदार बनाया जाएगा। ऐसे नागरिकों के बच्चों या पोता पोतियों अथवा पड़पोता पोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा, और जिनकी शादी 2 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो वे तुरंत ही इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान PIO कार्ड के धारकों के संबंध में केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर यह स्पष्ट कर सकती है कि किस दिनांक से सभी मौजूदा PIO कार्ड धारकों को OCI कार्ड धारकों के रूप में बदलने का निर्णय लिया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण, कारी मुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। इस अधिनियम के तहत जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थितियों में स्थान या विलय या किसी स्थान में शामिल किए जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।